घर कैसे लग रहा है? मुझे अपने घर वापसी पे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मानसिक रूप से सुकून महसूस कर रहा हूँ। और आज ये तय किया हम लोगों ने कि सभी लोगों से चर्चा हुई है हमारी, और चर्चा होने के बाद ये तय हुआ है कि जिस तरीके से चुनी हुई सरकार कमलनाथ जी की सरकार जो जनहितकारी किसानों के पक्ष में काम कर रही थी उसको पैसे लेके करोड़ों रुपए लेके सरकार को गिरा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। ये 24 सीटों पर ही हम लोग आगामी योजना है, 24 सीटों पर ही हम इनके गद्दारों को हराने का काम करेंगे। ये पार्टी जहाँ जहाँ जिम्मेदारी देगी उन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग करेंगे। और ऐसे कौन से वो कार्ड है जिसके चलते आपको पार्टी को छोड़ना पड़ा? सिंधिया जी लगातार मुझे प्रतिताड़ित करते रहे, ज्योतिराव सिंधिया, और पार्टी के अंदर भी रहके जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण इंदौर में ज्योति वसुंधरा राजे सिंधिया करने आई थी उस टाइम पे भी मैंने विरोध किया था। तमाम सारे फ्रीडम फाइटर हमारे साथ थे कि हम माफ़ी मांगो, यदि आपने कुछ गलती कर दी है, अपने पूर्वजों ने गलती कर दी है, हम भी यानी इसका विरोध नहीं कर रहे थे कि मूर्ति का अनावरण नहीं करें, लेकिन अपने पूर्वजों की गलती सुधारो, आप लोग माफ़ी मांगो। उसके बाद लगातार जब सिंधिया जी पार्टी के अध्यक्ष बने, सांसद बने, तो उसके बाद मुझे लगातार उनकी प्रतिताड़ना झेलती रही। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बोले कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने उनसे उस समय बोला था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है उस गलती को आप सुधारो, और झांसी की रानी वाले मामले में आप लोग माफ़ी मांगो और लोगों के बीच में जाओ। सावेर सीट से आपकी दावेदारी नहीं? मेरी कहीं से दावेदारी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं विधायक रह लिया हूं, सांसद रह लिया हूं दो दो बार, और मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन ये विस्तारवादी ताकतें, ये सामंतवादी ताकतें, इनको हम रोकने का काम करेंगे। जिनने मध्य प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, ज्योतिराव सिंधिया के और उनके जितने समर्थक हैं, जितने गद्दारी की, उन सबको सबक सिखाने का हम लोग काम करेंगे। आप पार्टी में आ रहे हैं, चेंजेस हो पाएंगे, लेकिन अब वो बीजेपी में पहुंच गए हैं, वो चेंजेस हो पाएगा कोई बीजेपी वाले? अभी 6 महीने में इनको सब समझ में आ जाएगा, अभी 6 महीने में इनको समझ में आएगा किस तरीके का दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं ये लोग। अभी 6 महीने जरा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। जिस तरह से आप रास्ता भटक गए थे वह भी रास्ता तो नहीं भटक गए? अब वो तो रास्ता जानबूझ के जो पूरी मीडिया में है, आपको मालूम है, पैसे लिए लेन देन हुआ है, करोड़ों का लेन देन हुआ है, और लेन देन करके जो लोग बिके हैं, रास्ता भटकना उसको नहीं कहते हैं, लेन देन हुआ है करोड़ों रुपए लेके, उनने सरकार गिराई है और मंत्री पद पे आसीन हुए हैं। पार्टी ने मंत्री तक बनाया कार्यकर्ताओं को, सिंधिया को खुद भी केंद्रीय मंत्री तक बनाया, तो अभी केवल अपनी मनमानी करने के लिए पार्टी के साथ हश्र करना, सरकार गिरा देना? नहीं नहीं, मैं तो मेरा ये कहना है कि सिंधिया जो ज्योतिराव सिंधिया मेरे से भी जूनियर हैं। मैं 98 में MLA हो गया था, वो चूंकि माधवराव जी एक्सीडेंट में शांत हो गए तो उनको मौका मिला 1-2 में, तो मेरे सीनियरिटी के हिसाब से मैं नहीं मानता हूं कि वो कहीं भी इस योग्य हैं जो कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया उनको, उसके सम्मान के खिलाफ इतने बार मंत्री बनाया, इतने कम समय में मंत्री बनाया, और तमाम सारी, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लालच में यहाँ से गए हैं।